यामिनी ने तो यही जगह बताई थी, यही उसकी लाश दफनाई थी। अगर शिवन्या सच में मर चुकी है तो उसकी लाश यही होनी चाहिए। मुझे शिवन्या को बाहर निकालना होगा, वो ज्यादा देर तक सांस रोक नहीं पाएगी। रुक जाओ बेटा, शेषा भी गई नहीं। शिवान्या, क्यों तुम मेरी प्यार की राह में आए, क्यों अपनी जान गंवाई? देखो क्या अंजाम हो गया है तुम्हारा। शिवान्या, प्यार ने मार दिया शिवान्या तुम्हें भी और मुझे भी। तुम प्यार करके मर गई और मैं प्यार करके जीऊंगी शिवान्या, अपने प्यार के साथ। पापा मुझे जाना ही होगा, शिवन्या को बाहर निकालना होगा। तो शेषा को चकमा देने की योजना हमारी सफल हुई। हाँ बाबा, अच्छा हुआ जो हमें शेषा की योजना के बारे में पहले से ही पता चल गया। अब यामिनी को चकमा देने की बारी है। यामिनी, तुमने जो पाप किए हैं उसका भुगतान तो तुम्हें करना ही होगा। मुझे अपने आप को ऋतिक से अभी दूर करना होगा, नहीं तो मेरी वजह से ऋतिक की जिंदगी रोज खतरे में होगी। मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं नागिन हूँ। नागिन, मैं ये सच्चाई मान चुका हूँ कि तुम एक नागिन हो, पर मैं ये कैसे मान लूँ ऋतिक कि मैंने तुमसे झूठ बोला? अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लिए हमने और मैंने तुमसे अपनी सच्चाई छिपाई, तुम्हारा भरोसा तोड़ा मैंने। टूटा हुआ दिल तो फिर भी जुड़ जाता है, पर अगर एक बार किसी का भरोसा तोड़ दो तो वो कभी नहीं जुड़ता। रो मत शिवन्या, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। गलती तो सारी मेरी है, तुमने मेरे परिवार की सच्चाई कई बार मुझे बताने की कोशिश की, मैंने ही तुम पर भरोसा नहीं किया और तुम्हें घर से निकाल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो।
पहले तुम मेरे पास नहीं आती थी, मैं समझता, पर अब क्यों मुझसे दूर जा रही हो? क्योंकि क्योंकि हम कभी एक नहीं हो सकते। हमारा मकसद पूरा होने के बाद मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी और तुम अपने रास्ते। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, तो हम जुदा क्यों होंगे? क्योंकि मैं एक नागिन हूँ और तुम एक इंसान। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। एक होने की कोशिश भी की तो हम दोनों में से किसी एक की जान चली जाएगी, और मेरी सारी शक्तियां भी, और मैं अपनी शक्तियां नहीं खो सकती, अपने लिए नहीं, शेषा से तुम्हारी रक्षा करने के लिए। शेषा तुम्हें हासिल करना चाहती है किसी भी कीमत पर, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। पर वो तो तुम्हारी बहन है। हाँ, बहन तो है, और नागमणि और तुम्हारे प्यार के जुनून में सही और गलत का फर्क भूल गई है। मैंने जिससे भी प्यार किया उन्हें खो दिया, माँ बाबा गुरुदेव, और अब तुम। मैं तुम्हें नहीं खो सकती ऋतिक, तुम्हें मुझे भूलना होगा। मेरे जाने का वक्त हो गया। शिवन्या, शिवन्या, थैंक गॉड ऋतिक मर गया। अब वो इस घर में कभी नहीं आएगा, ये तू जानती है यामिनी। लेकिन उसके भाई बहनों को क्या बताएगी तू? मॉम कहाँ चली गई थी आप? और आपका फोन भी नहीं मिल रहा था। अंकल बेटा, फोन छोड़, समझ में नहीं आ रहा बेटा क्या हो रहा है इस घर में। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है, एक के बाद एक, बर्दाश्त नहीं हो रहा बेटा। ऋतिक, अब पता नहीं ऋतिक कहाँ चला गया। हम ऋतिक भैया तो यही है घर पे, बल्कि वो आपको ढूंढ रहे थे माँ। ऋतिक घर पे? तू मिला उसे? हाँ माँ, बल्कि वो बस अभी ऊपर गए। क्या करूँ बेटा, माँ हूँ ना, अपने बच्चों को बहुत देर तक नहीं देती, तो एक अजीब सी बेचैनी होती है दिल में। चाची जी, आप भैया के रूम में जा रहे हो तो मत जाओ। क्यों? भैया ना शावर ले रहे हैं और आज वो डिनर पे नहीं है। अंकद भैया भी बाहर जा रहे हैं तो हम दोनों ही हैं। चलो ना चाची जी, डिनर कर लेते हैं। तो मिली ऋतिक से? हाँ, अभी तो नीचे से ऊपर आए। चलो ना, बहुत भूख लग रही है चाची जी, चलो ना डिनर करते हैं। एक मिनट बेटा, मैं ऋतिक से मिलकर आती हूँ, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, ठीक है? ऋतिक, ऋतिक बेटा, ऋतिक, एक काम करती हूँ, ये साइलेंसर लगा ही लेती हूँ। गोली चली तो किसी को आवाज सुनाई नहीं देगी। ऋतिक, आज तो तू गया।
ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मुझे? ऋतिक यहाँ नहीं है तो फिर मैंने जो देखा वो क्या था? और अगर ऋतिक घर में है और सबको दिखाई दे रहा है तो मुझे मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है वो? ऋतिक बनकर इस पूरे घर में घूम रही हो? तू पागल हो गई है? भगवान ने मुझे अपना रूप दिया है, मैं क्यों ऋतिक का रूप लेके घूमूंगी? वैसे ऋतिक कहाँ है? ऋतिक, ऋतिक बाहर गया। अंगद कैसा? अब एक बात बता, तू जिस काम के लिए गई थी वो क्या हुआ? शिवन्या को? शिवन्या मर चुकी है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तू चिंता मत कर। ये बंदूक, ये तेरे हाथ में? अब किसको टपकाएगी तू? मुझे। मेरा मतलब है अपनी रक्षा के लिए मैं ये बंदूक अपने साथ लेकर घूम रही हूँ। कोई यहाँ आकर नागमणि चुरा कर ले गया, अब मुझे किसी पर कोई विश्वास नहीं है। विश्वास छोड़ और नागमणि की सोच, हमें नागमणि को ढूंढना है, हमारे पास वक्त नहीं है। अरे ठीक है, अब तू जा यहाँ से। अगर किसी ने तुझे यहाँ देख लिया ना, खास तौर से अगर ऋतिक ने तुझे यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ऋतिक, तूने तो अभी कहा कि ऋतिक बाहर गया है। बाहर गया है, वापिस आया जाएगा ना? अरे बाहर ही गया, ऊपर थोड़ी ना गया। अब तू जाना यहाँ से। मुझे सोचने दे, वो नागमणि कहाँ हो सकती है? ये ओवर एक्टिंग की दुकान, मुझे भी तेरे साथ रहने का कोई शौक नहीं। मैंने इतनी बेरहमी से अपने इन हाथों से ऋतिक को मारा था, ऋतिक तो मर गया। अगर वो मर गया तो फिर ये कौन है, ये कौन है जो ऋतिक बनकर इस घर में घूम रहा है? मैंने कभी नहीं माना कि प्यार जैसी कोई चीज दुनिया में होती है, लेकिन जब शिवन्या आई तो मैंने जाना प्यार क्या होता है, प्यार को माना। और आज जब मैं अपने प्यार के साथ जीना चाहता हूँ तो आपने इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी। जब आप मुझे मेरा प्यार देना ही नहीं चाहते थे तो क्यों मिलवाए मुझे शिवन्या से? क्यों मुझे प्यार से प्यार करवाया? क्यों मुझे प्यार में दर्द दिया? क्यों शिव जी? क्यों शिव जी? आपने रास्ता रोका है ना, आप ही रास्ता दिखाइए। मैं नहीं रह सकता शिवन्या से दूर। तो क्या हुआ अगर वो नागिन है? यार तो सच्चा किया है ना मैंने, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाएंगे मेरे प्यार तक पहुंचने का। एक रास्ता, एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? इस प्यार के रिश्ते में ही रास्ता है। शिवन्या तुम्हारी पत्नी है, साथ फेरे लिए उसने तुम्हारे साथ, सात जन्मों का साथ निभाने की कसम खाई है उसने। तुम दोनों के इंसान तो क्या, भगवान भी जुदा नहीं कर सकते, भगवान शिव ने स्वयं कहा है। स्वयं शिव जी ने? हाँ बेटा, मेरी वाणी में स्वयं शिव बोलते हैं। मैंने खुद शिवन्यों को आशीर्वाद दिया था सदा सुहागन रहने का, उनका ये वरदान कभी खाली नहीं जाएगा।
यदि तुम शिवन्या को पाना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, शिवन्या नागिन है। यदि तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें उसके जैसा ही बनना होगा, तुम्हें भी नाग बनना होगा। इंसान से नाग बनना जितना कठिन है उतना ही दर्दनाक भी। तुम्हें इंसानी योनि त्यागनी होगी यदि तुम्हें प्यार पाना है, तो यह त्याग करना ही होगा। करूंगा, अगर शिवन्या को पाने का ये एक ही रास्ता है तो मैं त्याग करूंगा, मैं नाग बनूंगा। नहीं नहीं बेटा, तुम ही आखिरी वारिस हो मेरे वंश के, नागमणि के रखवाले। अगर तुम नाग बन गए तो नागमणि की रक्षा कौन करेगा? लेकिन बाबा, मैं शिवन्या से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार से बड़ा है फर्ज, नागमणि की रखवाली, शिव की धरोहर को कैसे भूल सकते हो तुम? नहीं बेटा, मैं तुम्हें नाग योनि में जाने नहीं दे सकता। लेकिन बाबा, नहीं, सोचना भी मत। कौन हो तुम? ऋतिक, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका ऋतिक। नहीं, तुम ऋतिक नहीं हो सकते। क्यों मां, क्यों नहीं हो सकता मैं ऋतिक? देखो मुझे छू के देखो। नहीं हो, तुम जो कोई भी हो, मेरे पास भी आना, मैं तुम्हें मार दूंगी। इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम ऋतिक नहीं हो, क्योंकि ऋतिक मर चुका है, मैंने उसे मार दिया है, अपने इन हाथों से मैंने ऋतिक को मार दिया है। अब मैं तुझे मारूंगी, मैं तुझे आत्मा को मारोगी। पहले बेटे को मारा, अब आत्मा को मारोगी। तुम्हारा ये सच मैं सबके सामने लाऊंगा, इस घर के हर एक इंसान के सामने तुम खुद बताओगी अपनी काली करतूत। अच्छा हुआ ऋतिक नहीं आया, नहीं तो आपका ये रूप देखकर उसका दिल टूट जाता। अच्छा क्या ये ऋतिक नहीं हो सकता, बाबा। तुम बिल्कुल अपने मां बाबा की चाबी हो, उन्हीं की परछाई हो। नागमणि को दुश्मन से बचा के लाई हो। बाबा, हमारी योजना सफल हुई। यामिनी डर से भी ज्यादा डर गई है। जब वो डरती है तो कोई ना कोई गलती जरूर करती है, बहुत अच्छे से जानता हूं उसे। अब उसी की गलती है उसके गलत कामों को अंजाम देगी, उसका अंत करेगी। हाँ बाबा, अब नागमणि हमारे पास है, अब इसको वही होना चाहिए जहां इसका स्थान है।
हाँ बेटा, हम नागमणि के रखवाले हैं। अब इस नागमणि को हम शेषनाग को समर्पित कर देंगे, वही उसकी रक्षा करेंगे। शेषनाग पंचनेर की इसी हवेली में स्थापित है। शेषनाग, चलो उनके पास। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? दुश्मन नागमणि के लिए यहाँ जरूर आएंगे। आप लोग अंदर जाइए, मैं यहीं रुकूंगी दुश्मनों को रोकने के लिए। समर्पित कर दो ये नागमणि शेषनाग को। पापा, मैं नाग बनकर भी तो नागमणि की रक्षा कर सकता हूं। नहीं बेटा, जिस पल महिष्मति को पता चला कि हमारा वंश उन्हीं की मधुमक्खियां हैं, उस महिष्मति घराने की, उन चंद्रवंशियों की, इनका आना संकेत दे रहा है कि वो आ रहे हैं। तुम्हें उन्हें रोकना है रिते, इसीलिए तुम नाग नहीं बन सकते। तुम्हें इस नागमणि की रक्षा करनी होगी। जानते हो नाग बनने का मतलब? दुनिया में इस दर्द से बड़ा और कोई दर्द नहीं। बहुत दर्द होता है ऋतिक, शरीर ही नहीं आत्मा भी कांप उठती है। शिवन्या, तुमसे दूर रहने के दर्द से और कोई दर्द बड़ा नहीं है मेरे लिए। तुम्हारे लिए मैं कोई भी दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ। नहीं ऋतिक, अभी तुम्हें इस दर्द का एहसास नहीं है। मैं तो इस नाग वंश में ही जन्मी हूँ। नागों की जिंदगी सदियों लंबी होती है, उसका कोई अंत नहीं होता। तुम नाग बन गए तो 100 साल की उम्र पालोगे, तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ तो रहेंगे, पर कब तक? एक दिन वो अपनी जिंदगी जीकर इस दुनिया से चले जाओगे और तुम अकेले रह जाओगे, अपने भाई बहन अपने अपनों के बिना। पर तुम्हें जीना होगा बेवजह बेमानी बेमकसद जिंदगी, जी नहीं पाओगे तुम, अकेले जीने की सजा पाओगे तुम। कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ सिवाय मेरे। तुम हो तो मुझे और क्या चाहिए शिवन्या? नहीं ऋतिक, अपनों को खोकर अंदर ही अंदर घुटते रहोगे तुम, और मैं तुम्हें उस हाल में नहीं देख पाऊंगी। माना कि यामिनी तुम्हारी मां नहीं है, पर अंगद, अमृता दी, दिव्या, ये सब तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। एक तुम ही तो हो उनके अपने। नहीं, मैं अपने लिए तुम्हें उन सबसे अलग नहीं कर सकती। तुम तो जानते ही हो, हम नाग नागिनों के पास तुम इंसानों जैसे प्यारे रिश्ते नहीं होते। हम अकेले जीते हैं, अकेले ही मर जाते हैं। दूर दूर तक सिर्फ तन्हाई होती है, साथ देने को सिर्फ अपनी परछाई होती है। एक बहन थी शेषा और गुरुदेव, शक्ति और प्यार के लालच में
चेषा ने गुरुदेव को भी मार दिया। ऐसी है हमारी जिंदगी, आंसू बहाने के लिए एक कांधा तक नहीं मिलता, बस बेवजह भटकते रहते हैं। ऋतिक, हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम इंसान हो और मैं नागिन। कुछ रिश्ते दिल के रिश्ते होते हैं और दिल के रिश्ते अटूट होते हैं। दुनिया की कोई भी शक्ति हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। लेकिन शिवन्या, नहीं, जो प्यार मुझे अपनी बहन अपनी मासी से मिला, वही प्यार मुझे तुम्हारे भाई बहनों से मिला। मैं उन्हें तुमसे अलग नहीं कर सकती, खून के रिश्ते ना से, तो दिल के रिश्ते तो है। शिवन्या, मुझे बहुत याद आती है उनकी, माँ ने मेरे साथ जो किया वो किया, और उसमें उनकी क्या गलती। जानती हूँ उन्हें बहुत याद करते हो तुम, पर याद उनकी आती है जो इस दुनिया से चले जाते हैं, पर वो तो अभी यही है। हाँ शिवन्या, मुझे मिलना है उनसे। तो मिलो ना, किसने रोका है तुम्हें। चलो, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि उस घर में एक ऐसी औरत रहती है जिसने पहले भी तुम्हें मारने की कोशिश की। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, हमें सतर्क रहना होगा। हाँ शिवन्या, पर अब मैं जान गया हूं कि क्या करना है, यामिनी का सामना कैसे करना है। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे पति पर एक खरोच भी नहीं आएगी। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता शिवन्या। आज अगर मैं जिंदा हूं तो तुम्हारी वजह से। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी, साए की तरह। पर शिवन्या, और तुम मेरे साथ चलोगी कैसे? यामिनी नहीं जानती कि तुम जिंदा हो। पापों का घड़ा भर गया है यामिनी, और अब हम फूटने वाला है, इसलिए तो तुझे ऐसा दिन देखने को मिला। तेरा अपना बेटा भूत बनके तुझे डरा रहा है। सोच यामिनी, सोच, भूत के पीछे भूत। लेकिन यामिनी, ये कैसे हो सकता है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? चल, मान लिया कि सच बोल रही है, मान लिया कि ऋतिक की आत्मा तुझे सता रही है, लेकिन तू डर क्यों रही है? हाँ, मैं हूं ना तेरे साथ। अरे, आत्माएं मेरे खेल खिलौने हैं, मैं अपनी शक्ति से किसी भी आत्मा को बुलाकर बंदी बना सकती हूँ। हाँ, अच्छा तो बुलाओ, बंदी बनाओ उस आत्मा को। इस खोपड़ी पे अपना हाथ लगा, तेरे मंत्र की शक्ति से ऋतिक की आत्माएं इस खोपड़ी के अंदर आ जाएगी, और तब ये खोपड़ी घूमने लगेगी, और जब ये खोपड़ी घूमने लगेगी तो तू अपना हाथ हटा लेना, और फिर मैं उस आत्मा को इस खोपड़ी के अंदर कैद कर लूंगी। जय! चल यामिनी, ऋतिक का नाम लेके बुला। ऋतिक, 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 कहाँ हो तुम? कहाँ? क्या हुआ गुरु माँ, आप रुक क्यों गई? नहीं, पूजा खत्म हो गई, लेकिन ये खोपड़ी अपनी जगह से हिली ही नहीं। मतलब है ऋतिक की आत्मा नहीं है। क्या?
ऋतिक की आत्मा नहीं है मतलब? नहीं है मतलब नहीं है यामिनी, ये तेरा भ्रम है और वो भ्रम इस खोपड़ी में नहीं आएगी। एक मिनट गुलमोहन, घर के बाकी लोगों ने ऋतिक को देखा है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर तुझे सच में लगता है कि ऋतिक की आत्मा है तो ये ले। पर जब वो आत्मा तुझे दिखेगी तो ये भस्म उस पर डाल देगा और फिर वो आत्मा तुझे कभी नहीं सताएगी, कभी नहीं। ठीक है गुरुमा, मैं ये भस्म लेकर जा रही हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी खोपड़ी की तरह खाली ना हो। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं आग लगा दूंगी इस गुफा में, फिर यहाँ बैठकर बुलाना अपनी ही आत्मा को, समझिए आप? ये सब ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं मुझे? कहीं ऋतिक ने सच्चाई तो नहीं बता दी ना सबको? भैया ने हमें सब कुछ बता दिया है। कैसी माँ हो आप? ऋतिक भैया के पेट पे ही आपने खंजर घोंप दिया। भाभी आप इतना गिर जाओगी? मैंने कभी नहीं सोचा था आपने अपने बेटे को टपका दिया, मार दिया उसे। आजकल कितना सीरियस रहती हो ना माँ आप। माँ सॉरी 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 माफ कर दो, हम मजाक कर रहे थे। माँ कहते हैं सुबह के सपने सच होते है ना? माँ लेकिन ये सपना सुबह का हो या रात का, लेकिन ये कभी सच नहीं होता है ना माँ? अच्छा सॉरी माँ, अब तो माफ कर दो। सॉरी भाभी। अच्छा बहुत मजाक हो गया, आई हैव अ ग्रेट न्यूज फॉर यू ऑल, मुझे एक बहुत ही बड़े इवेंट का असाइनमेंट मिला है, अजहर द ग्रेट मूवी ऑन क्रिकेट, उसको प्रमोट मैं करने वाला हूँ। बजाओ ताली। वाह वाह सुपर, आप सबको आना पड़ेगा। ओके ऑब्वियसली हम आएंगे। एंड वन मोर थिंग, यू नो व्हाट, हमारे घर में सबसे बड़े क्रिकेट फैन तो आप ही हो और ये मूवी का तो हीरो ही क्रिकेट है, तो मैं चाहता हूँ कि इस सुपर इवेंट को और बड़ा करने के लिए प्लीज आप मुझे थोड़े से टिप्स, थोड़े से आइडियाज क्यों नहीं देते? दोगे ना भैया? ऑफ कोर्स दूंगा। अरे इवेंट कल है और मुझे बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है, प्लीज मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे कॉल्स करने हैं। ओके कल तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स आएंगे ना। हाँ। रम्या आंटी प्लीज मेरी मदद करिए ना, मेरी ड्रेस सिलेक्ट करने। हाँ, चलो ना। मुझे भी लेके जाओ। सौतेली माँ में भी माँ आता है, लेकिन आपने माँ शब्द को ही शर्मिंदा कर दिया। नजरे क्यों छुपा रही आप? पाप करते वक्त तो नजरे नहीं चुराई? मैंने आपको भगवान समझा और आपने मुझे नागमणि लाने वाला एक मामूली इंसान, इसीलिए पाल पोस कर मुझे बड़ा किया। आपका प्यार धोखा है, धोखा।
सुना है माँ अपने बेटों के लिए कुर्बानियां देती हैं। आपने तो मेरी कुर्बानी ले ली। आपने उन सारी माओं को मार डाला जो हर एक बेटे के जहन में होती है। आपके एक एक वार से वो माँ मेरे सामने आई जो माँ के नाम पे कलंक है, कलंक। आज आपके सारे बच्चों के मुंह से अपना सच सुनकर जो आपकी हालत हुई उसे देखकर एक सच सामने आया कि इस डर का आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, कैसा होगा माँ? जब आपको अपना असली चेहरा दिखाई देगा और कितनी बार मारोगी मुझे? एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार मारूंगी। जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक मारूंगी मैं तुझे। मैं तो पहले ही कितनी बार मर चुका हूं, एक बार दरिया किनारे और दूसरी बार जब आपने बाथरूम में गोलियां चलाई थी तब। जितनी बार मारना है मार लो, आत्मा कभी मरती नहीं। दूध में क्या था? मैं भूल गई, भूल। दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा, मुन्ना करे तमाशा। मुझे ना, मुझे वो दागमणि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए दागमणि, तू रख। हाँ, तेरी कसम, यहाँ से चली चुकी। मुझे बहुत डर लग रहा, तो मुझे छोड़ दे, तू चला जा यहाँ से, चला जा। मैं अगर आपको छोड़ भी दूंगा तो भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपको अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। भुगतूंगी, भुगतूंगी। मैं अकेली अबला नारी, तू मुझे मत मार। मुझे मार दे, मुझे मार दे, मुझे माफ कर। हाँ, कहाँ चला गया? हाँ, ऋतिक कहाँ चला गया? ऋतिक,
हमारा प्लान सफल हो गया। यामिनी पागल हो गई, अपने होश खो बैठी है। आज मैं तुमसे कहता हूँ शिवन्या, उस यामिनी ने तुम्हारे माँ बाबा को मारा ना, जाओ और अपना इंतकाम, वक्त आ गया उसके अंत का।